वहीम, हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट नंबर 5 सॉल्व करने लगे हैं सबसे इजी मेथड के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल ने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख देना है, एक्स प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 5 ओवर एक्स इज इक्वल टू 1। और हमने अब इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है, एक्स इंटू एक्स प्लस 4। अब देखें नीचे वाले को नीचे से डिवाइड करेंगे, एक्स प्लस 4 कैंसिल हो गया, एक्स और एक्स प्लस 3 रह गया हमारे पास, माइनस एक्स एक्स कैंसिल हो गया आपस में, जो ऊपर रह गया जो नीचे रह जाता है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 इंटू एक्स प्लस इज इक्वल टू 1। अब हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, एक्स 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 का स्क्वायर प्लस 3x, जब भी माइनस आ जाए तो हमने ब्रैकेट यूज़ करनी है। अब फर्स्ट डिजिट को भी दोनों से मल्टीप्लाई, सेकंड को भी दोनों से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि एक्स 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 स्क्वायर, अब एक्स को 4 से करेंगे तो हो जाएगा 4x। अब इससे करना है माइनस 5x माइनस 5 4 का 20, एक्स 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 स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना है, इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर 3x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस है साइन चेंज, माइनस 4x प्लस 5x प्लस 20 एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। अब हमने इसका क्या करना है, प्लस माइनस कैंसिल कर देने हैं, जैसे कि अब एक्स स्क्वायर है, इस तरफ भी एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाले स्टेप पे कर लेते हैं, अब ये देखें ये एक्स स्क्वायर प्लस में है, ये माइनस में, ये कैंसिल। अब 3x है, एक 4x है, एक 5x है, ये एक्स वाले सेम है, इनको ऐड माइनस कर लेंगे, प्लस 3x प्लस 5x 8x हो गया, 8x में से 4x गया तो 4x। आगे डिजिट कांस्टेंट कौन सा, ये है प्लस 20 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। अब हमें इसका क्या करना है, नीचे वाले डिजिट को नीचे वाले मल्टी नंबर को मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देंगे ताकि हम स्ट्रेट फॉर्म आ जाए, ऑन बोथ साइड्स। अब ये देखें ये आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद कैंसिल हो गए, 4x प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई 1 से करने से कोई फर्क नहीं होता। अब हम इनको क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, एक ही तरफ कर लेंगे ताकि इज इक्वल टू 0 आ जाए। अगर हम इसको इस तरफ लेके आते हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में आ जाएगा, तो या पूरी फॉर्म इसको इधर ले जाएं या पूरी फॉर्म इधर ले आएं, अगर इधर ले आते हैं तो माइनस में आ जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि माइनस में ना आए, पॉजिटिव आए। तो हम इसको क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x वैसे खड़ा हुआ है, इनको इधर ले आएंगे, ये प्लस एक्स है तो माइनस 4x, ये प्लस है तो माइनस 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू इस तरफ 0 लगाएं या इस तरफ कोई डिफरेंस नहीं है, तो हम इस तरफ स्ट्रेट करके लगा लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x है, ये देखें ये 4x है, ये भी माइनस 4x है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था, तो ये पूरा मेथड सॉल्व हो चुका है।
किसी को किसी चीज़ की क्वेश्चन में इशू हो तो वो कमेंट कर सकते हैं।